आज मुझे PFMS के थ्रू 8,600 रुपये जो है रिसीव हुए हैं। और थोड़ी देर के लिए मैं चकरा गया था कि ये जो है पैसे कहाँ से आए, और थोड़ी देर में मैंने जो है रिसर्च करके पता लगा लिया कि ये जो है पैसे कहाँ से आए हैं। अगर आपको भी PFMS के थ्रू पैसे रिसीव हुए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा आपको जो है कहाँ से ये पैसे रिसीव हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ शिव, आप देख रहे हैं शिवजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको बता दूँ PFMS की फुल फॉर्म क्या होती है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके तहत जो आपको गवर्नमेंट की जितनी भी इसके अंडर जितनी भी सर्विसेज आती हैं उनकी जो है बेनिफिट्स आपको जो है डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं DBT। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा समझना जरूरी है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT अगर आपके अकाउंट पर लिंक है तो आपका सरकारी जो भी आपके जो पैसा आने वाला है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली चला जाएगा। तो मेरे जो है 8,600 रुपये स्कॉलरशिप के थ्रू आए हैं, और मैंने आपको बताना चाहूँगा मैं भी थोड़ी देर के लिए चकरा गया था क्योंकि मैंने जिस अकाउंट नंबर से अप्लाई किया हुआ था स्कॉलरशिप, और उस अकाउंट पर पैसे न जा करके मेरे पेटीएम वॉलेट में आए हैं, यानी कि पेटीएम अकाउंट में जो है रिसीव हुए हैं। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि फ्रेंड्स मैंने जो है DBT लिंक अपने पेटीएम अकाउंट में कर रखा है, इस वजह से जो डायरेक्टली डायरेक्ट बेनिफिट मेरे अकाउंट में जो है पेटीएम वाले अकाउंट में मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई भी अदर बैंक, यानी कि मैं पेटीएम का यूज कर रहा हूँ, अगर आपके पास किसी अदर बैंक से अगर आपकी जो DBT लिंक है तो उस बैंक में आपको जो डायरेक्ट थ्रू बेनिफिट आपका जो है उस बैंक में मिलने वाला है। और फ्रेंड्स सबको बताता हूँ इसके अंडर जो है 316 सर्विसेज जो है आती हैं, यहाँ पर जो आपको लिस्ट शो हो रही होगी। तो जैसे कि आपकी जो है LPG सब्सिडी हो गई, और मनरेगा पेमेंट्स, ओल्ड एज पेंशनर्स, स्कॉलरशिप, वेलफेयर स्कीम्स, ऐसी जो काफ़ी सारी जो है ऐसी सर्विसेज हैं जो कि DBT के अंदर आती हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट के ट्रांसफर के थ्रू आपके अकाउंट पर जो है ऐसे पैसे जो है आ जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके जो पैसे कहाँ से आए हैं। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप जो अपने पेमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो गूगल पर आ जाना है, और यहाँ पर जो आपको सर्च करना है PFMS नो योर पेमेंट। तो जैसे ही आप जो इस वर्ड को आप जो डाल करके जो आप सर्च करते हैं तो पहले ही रिजल्ट में आपको जो देखने को मिल जाता है। इसे जो आपको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद जो आपको अकाउंट नंबर बैंक नेम पूछता है, इसके बाद जो आपको अकाउंट नंबर आपको जो डाल देना है, और इसके बाद जो आपको नीचे की तरफ कैप्चा कोड डालने को बोलता है। तो यहाँ से आप जो वेरीफाई करेंगे तो आपके अकाउंट की सारी डिटेल आपको जो देखने को मिल जाती है, और इस तरीके से आप जो अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं कहां से पैसा आया है और कहां से किस सर्विस से आपको पैसा रिसीव हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।